दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा है और उनके साथ जो महिला है भाई, उनका नाम है टोन वेन होंग। उन्होंने जैक मा की कंपनी अलीबाबा को वर्ष 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। दोस्तों तकरीबन हर कंपनी फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स पब्लिक करती है, जिससे भाई उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को बढ़ा सके, जैसे कि फेसबुक ने 2012 में किया, रिलायंस ने 1977 में किया और एप्पल ने 1980 में किया। शुरुआती दिनों में जैक मा ने शेयर्स अपनी टीम के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट टोन वेन होंग को अपनी कंपनी के 0.2% शेयर्स दिए और कहा, जब हमारी कंपनी पब्लिक होगी तब ये 0.2% शेयर्स की कीमत 100 करोड़ होंगे। भाई जैक मा ने बस उनसे इतना ही कहा कि तुम इस कंपनी को छोड़ना मत, फिर देखना हम कैसे इस कमरे से बड़ा करके पूरी दुनिया में ले जाएंगे। टोंग ने सालों इंतजार किया पर अलीबाबा पब्लिक नहीं हुई। फिर 2004 में टोंग वेन होंग ने जैक मा से पूछा, हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? तब जैक मा ने एकदम धीरज से कहा, जल्द। उन्होंने 2006 में फिर से पूछा, सर हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? जैक मा ने फिर से वही जवाब दिया, जल्द। वही देखते ही देखते वर्ष 2014 आ गया। टोन वेन होंग को कंपनी से जुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके थे, अभी तक कंपनी पब्लिक नहीं हुई और ना ही उनको 100 करोड़ मिले। पर 14 सितंबर 2014 के दिन अलीबाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 19 सितंबर के दिन अलीबाबा का मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जो अमेज़न और ईबे का मार्केट कैप को मिलाकर भी ज्यादा था। टोन वेन होंग, जिसने अलीबाबा एक बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी, भाई वो आज अलीबाबा का पार्टनर है और अलीबाबा की सब्सिडियरी कंपनी केनियो की चेयरमैन है। सालों वेट करने के बाद कंपनी के दुख सुख में कंपनी के साथ रहकर टोंग को फाइनली उनकी मेहनत और सबर का फल मिला। उनके 0.2% अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए बन चुके थे। आज की तारीख में दोस्तों अलीबाबा का मार्केट कैप 587 बिलियन डॉलर्स है, यानी वेन होंग के शेयर्स की कीमत अब 8000 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों क्या आप किसी कंपनी में 14 साल तक काम कर सकते हैं? जब आपकी कंपनी का मालिक रात दिन बिना थके मेहनत करता है तो भाई आप कौन होते हैं कंप्लेंट करने वाले? जैक मा ने अलीबाबा के सक्सेस के पीछे का राज भी बताया। उन्होंने कहा, अलीबाबा के कामयाब होने के पीछे कारण है कि हमारी कंपनी में काफी महिलाएं काम करती हैं। हमारी कंपनी में लगभग 45% महिलाएं हैं। अगर आपको 21वीं सदी में कामयाब होना है तो दूसरों को सशक्त बनाएं। अगर कंपनी चलाते समय आप खुद से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं तभी आप कामयाब होंगे। मैंने औरतों में खूबी देखी, औरतों को जब आप सम्मान दें, उन्हें उनके काम से सही सुविधाएं दें, तो वो आपकी कंपनी में आपसे भी बेहतर काम करके दिखाती हैं। दोस्तों टोंग वेन होंग की कहानी आप तक साझा करने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निश्चित हैं कि कुएं में पानी है तो 10 साल 10 अलग अलग कुएं को खोदने से अच्छा है उसी कुएं को खोदें। शायद 9 वर्ष आपको दिक्कतों से जूझना पड़े पर 10वें साल आपकी सारी मेहनत सारे त्याग सफल जरूर होंगे। बस सब्र रखें क्योंकि आप तो जानते ही हैं सब्र का फल हाँ जी मीठा होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, संग में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।